फ्रेंड्स, हाय, वेलकम। देखेंगे आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। कलेक्टिव जनरल टाइम लिस्ट रीडिंग है, सभी के लिए है, सिंगल हो या कमिटेड। देखेंगे आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी दीजिए उनकी लव लाइफ के लिए कि उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हर्मिट, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल बॉटम पे है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा दिख रहा है कि अभी आप लोग काफ़ी पेनफुल फेस से गुजर रहे हो। ठीक है, सिचुएशन में बता देती हूँ पहले। अभी आप मतलब बिल्कुल अकेले हो एंड कहीं ना कहीं किसी ने आपको बैक स्टेप किया है। आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, एक नए तरीके से लाइफ को जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ की कोई न्यू बिगनिंग हो, कोई आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ में एक बड़ी कम्प्लीशन मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है, एक बहुत बड़ा कम्प्लीशन हो रहा है जिसके बाद एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। कोई कर्मा पीछे रह गया है, जो पुराना था, जो डेप्थ था, वो आपने पे कर दिया है। आपकी तमन्ना है कि आपकी लाइफ में कोई आए, अगर आप सेपरेट हो। एंड अगर आप कमिटेड थे या सेपरेशन में हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन ने मेरे को अकेला कर दिया, मुझे बैक स्टैप किया, मेरे साथ बुरा किया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है, तो रीडिंग आपके लिए है। अब क्लियर करते हैं कार्ड्स को। हर्मिट को क्लियर कीजिए। डिवाइन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपको किसी ने धोखा दिया बहुत बुरी तरह से और आपको धोखा दे के अकेला छोड़ दिया है, या फिर आपका यूज़ करके छोड़ दिया हो। आपको एज अ फ्रेंड ही रखा और आपको मिक्स सिग्नल देते रहे हों। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यूज़ करके चले गए कि मैंने कौन सा कमिटमेंट दिया था। ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कीजिए। डिवाइन, पेज ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को आपके बारे में सब कुछ पता था। आई डोंट नो ये पर्सन कौन है आपके लाइफ में जिसने आपको बैक स्टेप किया है। रीडिंग मेरी कुछ और थी, कुछ और निकल रही है। तो अगर गाइडेंस आ रही है और आप देख रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको बैक स्टेप कर रहा है और इवन आपको पता भी नहीं है। उस पर्सन को आपके बारे में सब कुछ पता है एंड वो आपको पीठ के पीछे इतना ज़्यादा धोखा दे रहा है, इतना ज़्यादा धोखा दे रहा है कि मतलब कि आपको खुद नहीं समझ आता ये क्या हो रहा है। लेकिन हल्का सा डाउट है आपको भी, जैसे आपको है डाउट, आप जानना चाहते हो उस पर्सन के रिगार्डिंग। ऐसा आपके कुछ लव लाइफ में चल रहा है। द फूल को क्लियर कीजिए। डिवाइन, एस ऑफ कॉइन, यस, आप एक स्टेबल न्यू बिगनिंग चाहते हो कि किसी पर्सन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ो, शादी करो, न्यू बिगनिंग करो। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा जो आपको ऐसी स्टेबिलिटी देगा। मतलब वो आएगा इस तरह से कि आपको लगेगा कोई सीरियस नहीं है, बस इन्जॉयमेंट है, मतलब केयर फ्री होके इन्जॉय करना। लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये बहुत ही सीरियस हो जाएगा इन फ्यूचर। आप एक दूसरे के साथ एकदम स्टेबल रहने लगोगे, ऐसा कुछ होगा आपकी लव लाइफ में। कोई न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए यहाँ पे दिख रही है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लियर कीजिए। डिवाइन, मैजिशियन, तो डिवाइन आपको कहना चाहता है आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप जैसे चाहोगे वैसा आपको फ्रूट मिलेगा। तो आप अपने आप पे बिलीव करो, ठीक है, अपने मैजिक पे बिलीव करो, अपना मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करो। जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वैसे वैसे आपकी लव लाइफ होती जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो जो आपने अपनी लाइफ में चाहा ना, आपके साथ आज वही हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये सब आप ही की डिमांड थी जो पूरी हो रही है।
क्योंकि हम कभी मैच्योर होते हैं, चाइल्डिश नेचर होता है, हम कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं हमें लगता था क्या यार गलत चीज़ थी वो, लेकिन हम वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो अपनी क्लियरिंग कीजिए ज़रा, ठीक है, अपना क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है आपको। सॉल्ट बात लीजिए, ठीक है, एंड हाई वाइब्रेशन म्यूज़िक सुनिए, हाई वाइब्रेशन फूड खाइए, ताकि अपना क्लियर कीजिए, जो भी नेगेटिविटीज़ थी उससे बाहर निकलिए। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, ठीक है, और कोई आपको प्रपोज कर सकता है जिसके साथ न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की, एंड आप जैसा जैसा चाहोगे आपकी लव लाइफ वैसी वैसी बनती जाएगी। फोर ऑफ कप्स, सन एंड फोर ऑफ वैन, तो डिवाइन आपको बताना चाह रहा है, एंड बॉटम पे फाइव ऑफ वैंस, कि जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा, उसे मूव ऑन करके ना आपको किसी ऐसे सोलमेट या ऐसे पार्टनर को चुनना चाहिए जो आपको वैल्यू करे, क्योंकि इस पर्सन से लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती की जो मिला हुआ प्यार या चीज़ होती है ना, वो कभी स्टेबल नहीं रहती लाइफ में। तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, अगर आप किसी पर्सन में स्टक हो बहुत ज़्यादा, तो उसे मूव ऑन करके आप किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट करिए। आपके पास पावर है, एक सोलमेट के साथ आप मैरिज को मैनिफेस्ट कीजिए, एक सोलमेट के साथ मतलब ऐसी लाइफ को मैनिफेस्ट कीजिए कि इसके साथ मैं सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। अफर्मेशन दीजिए, और ये मेरी हर इच्छा को पूरी कर रहा है, मैं इसकी हर एक इच्छा को पूरी कर रही हूँ। इक्वल गिव एंड टेक है हमारे रिलेशनशिप में, कोई चेजिंग कोई रनिंग नहीं है, सब कुछ बहुत आराम से हो रहा है, सब कुछ बहुत प्यार से हो रहा है। इस तरह से आपने मैनिफेस्ट करना है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे एक स्टेबल ऑफर लेके। लेकिन अगर आप उस पर्सन को चेज करते रहोगे जो आपको आपको वैल्यू नहीं करेगा, आपको इग्नोर करेगा, ठीक है ना, तो आपको उससे कुछ नहीं मिलना, उससे चीट के अलावा और उससे धोखा मिलेगा, या वो आपको हमेशा अकेला छोड़ देगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, हमेशा भाग जाएगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे पर्सन के मतलब को चूज़ करने के बजाय आप ऐसे पर्सन को चूज़ करो जो हमेशा आपके साथ हो। अब वो आपको पता होगा कौन है कौन नहीं है, अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए, और ऐसे पर्सन के पीछे भागना बंद कर दीजिए जो आपकी वैल्यू नहीं करता, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, जब आपको उनकी ज़रूरत होती है आपको छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। और बताइए डिवाइन, एंड मेरे को लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में ये चेंजेस आ सकते हैं, इन फ्यूचर आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए जिसकी वजह से आप उस पर्सन से मूव ऑन कर जाए जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, और उसके साथ जो भी नया पर्सन आएगा उसके साथ आपकी मैरिज हो जाए, या फिर एक आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाओ, ऐसा कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है। एंड अगर आप सिंगल हो तो आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, सिर्फ क्रश के लिए आंसू बहा के कुछ नहीं मिलना, अगर उसको इंटरेस्ट होता तो वो कब का आपको बोल देता, ठीक है। और बताएं डिवाइन, कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए प्लीज़ बताइए। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ वैन, तो आप ऐसे पर्सन के लिए एक्साइटेड हो, ऐसे पर्सन के पास जाओ जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, ठीक है ना। आपको अपने फीलिंग्स को इकट्ठा करके ना उस पर्सन को देना है जो आपको वैल्यू करे, जो आपको वर्थ समझे, ठीक है, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। तो अपने अंदर हिम्मत लाइए, इस पर्सन से मूव ऑन कीजिए जो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा, या वो आपका क्रश है, जो मर्जी है, ठीक है ना, जो आपको इग्नोर कर रहा है, उससे हट के आप एक एक्साइटिंग भरी लाइफ जीने की कोशिश करो, एक्साइटमेंट भरी लाइफ, और उस पर्सन को मैनिफेस्ट करो जो आपको वैल्यू करे। एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको वैल्यू कर रहा है, तो आप उसको वैल्यू करो, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।